हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? तुम लोगों को लग रहा हो यार पीछे कैसे एकदम से चेंज हो गया सारा। तो मैं आया हूँ मरी, और मरी एक आना हुआ है मेरी एक ट्रेनिंग के सिलसिले में। उस ट्रेनिंग का नाम है RTI, RTI राइट्स टू इंफॉर्मेशन, एक नाम के एक ट्रेनिंग है। एक्चुअली इस ट्रेनिंग का ये मकसद होता है कि आपको ट्रेन किया जाता है कि आपकी जो राइट्स, जो आप जिस राइट से महरूम हैं, उसके लिए आप कैसे RTI एक इंस्टीट्यूट है उसके पास आप आ सकते हैं, और आपके पास जो आईनी शिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की आर्टिकल, जो सारा बताएंगे। मैंने चूंकि थोड़ा सा समझा था इसके बारे में, अभी ट्रेनिंग होगी तो मुझे जब कंप्लीट उसके बारे में पता करूंगा तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे बहुत मसला हो रहा है, लेकिन चलते हैं अभी। और नाश्ते का टाइम है, 8 बज रहे हैं, मैं बिल्कुल देख लूँ, मुझे नींद नहीं हुई सारी रात। तो चलते हैं और नाश्ते के लिए, उसके बाद फिर ट्रेनिंग के लिए, और सारा मैं आज दिन में आप मेरे साथ ही रहोगे तो देखते हैं। चलो और वो भी लेके आ गए मिशी चला ना तेरे को आना लगा ना खांदे हुए सेक्सी सेक्सी मक्खन आए चौपड़ के क्या बात दोनों भाइयों में इतना प्यार एक ही प्लेट में था ना मैं तो उसमें पी भी ले अब शादी एक लड़की से करेंगे क्या बात है यार कैसे चलेगा यार ऐसे कैसे चलेगा इज इट पॉसिबल डीप इसीलिए तो हम RTI की ट्रेनिंग में आए हैं खाना खा लिया और बस चाय पीते हैं उसके बाद जाते हैं। टाइम बहुत लेट हो गया, 9 बज रहे हैं, हम ऑलरेडी लेट ही हैं, सारे चले गए। सही बात है ना, आप लोग तो खाएं, खाना तो खाने दो भाई भाई, खाओ खाओ जी खाओ, आपको ये तो आपका राइट है, यही तो इसलिए तो सिखा रहे हैं। अगर आपने अपने राइट पूरे किए थे ना तो नाइस, तो चाय पीते हैं उसके बाद। लेकिन अब उसमें बदकिस्मती है कि वो जो लॉ रिकॉर्ड में बहाल किया है, इनमें से एक था पॉलिटिकल एंड लीगल एम्पावरमेंट। ये स्पेशली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए होता है। आगे बढ़ने से पहले हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लेते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस एशिया के बारे में। ठीक है, World Service Asia is a national organization registered in Pakistan and headquartered in Karachi. We are one of the largest locally registered humanitarian organizations with development programs in the country. We value our partners, the government and the communities we work with and recognize the role they play in our success. As an independent organization, we intend to maintain, strengthen and expand these partnerships across the region. The majority of our programs are in Pakistan and Afghanistan, while having small-scale initiatives in the other countries in the Asian region. मैं BS कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में पिशावर यूनिवर्सिटी से, और मेरी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि मैं लोगों को इजीली हंसा सकता हूँ, और मेरी कन्विंसिंग पावर मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड है, और दूसरा सपोर्टिव हूँ, और अभी ट्राई करूँगा थोड़ा पॉजिटिव। चलें, आप इनमें से किसी को हंसाएं। मेरा नाम जैसन है और मैं DPT का स्टूडेंट हूँ, और मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं काफ़ी दूसरों की केयर करता हूँ और अंडरस्टैंडिंग। मेरा नाम अफरून जावेद है, स्ट्रेंथ ये है कि मैं चीज़ें अडॉप्ट जल्दी कर लेता हूँ। शाबाश। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम युवास शालीम है और मैं एडवर्ड कॉलेज से BS इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, और मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरी स्ट्रेंथ समझ लें या मेरी सोच समझ लें कि मैं सिर्फ माइनॉरिटीज़ के नहीं बल्कि सारे इंसानों का दर्द समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैं उनकी मदद करूँ कि जो कि इस माशरे में, इस मुल्क में या हमारी कम्युनिटी में, सोसाइटी में जो कम तर रह गए उनकी मदद करनी चाहिए। तो मलिक सलीम इकबाल नाम है जी, बाई प्रोफेशन मैं लॉयर हूँ, इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, लॉ प्रैक्टिस करता हूँ, और साथ में कुछ डेवलपमेंट सेक्टर के साथ कुछ ये जो डिफरेंट सोशल या लीगल इश्यूज हैं इनके हवाले से
काफ़ी सालों से मेरी एसोसिएशन है, जो मिनॉरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं उन पे आपके इलम में होगा, जो जिस तरह अरुण साहब हैं NLDs जो थे, इनकी बड़ी इन्होंने एफर्ट की, बड़ी स्ट्रगल की, और ये इन लोगों की हिम्मत और जदोजहद से 2009 मई में 5% माइनॉरिटीज जॉब कोटा जो है वो एलोकेट हुआ फेडरल लेवल पे और चारों प्रोविंसेस के अंदर। तो बट ये है कि उसके अंदर कोई वो इन अ ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था वो कोटा। तो कुछ दो साल पहले 2018 में मैंने एक रिट पिटीशन फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें हमने फेडरल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्डेंट बनाया था को इम्प्लीमेंट किया जाए प्रॉपरली। अच्छा मिशाम बता यार, RTI ट्रेनिंग के लिए अभी क्या सीखा? RTI बेसिकली राइट की और इंफॉर्मेशन है, बेसिकली हमारे जितने भी राइट्स हैं जो डिप्राइव रहते हैं, जो कि हमें नहीं पता कि हमने एक्सेस कैसे करने हैं, जो भी स्नैच हो जाते हैं हमारे राइट्स, तो उनके लिए हमने कैसे ट्राई करना है कि वो राइट हम वापस उनसे ले सकें। जैसे कि आपने एक फाइल किया कोई कमीशन, ठीक है ना, गवर्नमेंट में आपको वापस कम बैक नहीं मिला तो आप बस साइड पे हो गए, नहीं, यू हैव टू गो बैक टू द ऑफिस और आपने कंप्लेंट अगेंस्ट करनी कि यार मेरी रिपोर्ट कितर गई है। तो इसी तरह काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जो चली जाती हैं, तो जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो आप RTI का मकसद ये है कि आपको एक प्रोसीजर या प्रोसेस सिखाया जाए जिसके थ्रू आप जाकर अपने उस राइट को वापस ले सकें। मतलब ये है कि आप, मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका किसी हक से महरूम हुए, जॉब या कोई भी रिलेटेबल चीज़ हो सकती है, तो आपको RTI जो है एक सेंसिबल चीज़ बताती है कि यार आप इस कानून के तहत इस पे आप उनसे बात करें, आवाज़ उठाएं और आप अपना हक मांगें। ओके जी, अभी ट्रेनिंग ख़त्म हुई है और मैं आगे बाहर, मुझे बहुत नींद आ रही थी असल में, मैं सिर्फ रात को 1 घंटा सोया हूँ और फिर सारी रात और कल की रात और अभी तक बिल्कुल नहीं सोया, तो मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाया। तो जो एंडिंग हुई वो ख़त्म हो गई, मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, अभी थोड़ा सा रेस्ट किया, अभी चाय वगैरह का सीन है, चाय के बाद फिर हो सकता है शायद मोस्ट प्रॉबली हम जाएँ अभी नीचे घूमने कश्मीर पॉइंट वगैरह। सो आप क्या कर रहे हो? चलो साथ चलते हैं। ऐसी ये खुद ही आ देख रहा हूँ ग्लासेस वालों काड़ा कर दिया मुझे। किधर जा रहे हैं अभी? अभी हम जा रहे हैं कश्मीर पॉइंट, तो जाएंगे चाय शाय पियेंगे, थोड़ी बहुत कश्ती मस्ती लेंगे, इंजॉय करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ओके जी, अभी हम जा रहे हैं कश्मीर पॉइंट और सर्दी इतनी अंत की लेवल की ना कि मेरा कैमरा लिटरली फ्रीज हो गया। कैमरा फ्रीज हो गया तुम्हारा? किस तरह की बात है? पूरे के पूरे सबूत है बंदे फ्रीज हो गए। हम फ्रीज हो रहे भाई, उधर रूम में बैठ के तो ऐसे था ना कि मतलब चलो माहौल था, बाहर निकलो, हाँ बाहर निकलो तो, और एक तो मेरा टिट ऐसे मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ और ऊपर से 15 किलो का तो पेट है सिर्फ ना, 15 किलो का वेट है। यू शुड गो टू जिम एंड लाइक, अगर आपको पता नहीं है ये अफरून जो है पहले भी शायद मेरे ब्लॉग में आए, तो ये एक बड़ा कॉम्पिटिटिव प्लेयर है पबजी का और हमारे क्लैन का लीडर रह चुका है जी। थैंक यू सर, आप तो बड़े बंदे, अब तो स्पॉन्सर के पास चले गए, जरा सही तान के ना जाओ ये, और अपनी अपनी क्लैन की वसीयत इनको लिख गया प्लीज। जरा एक कॉमेडी हो जाए यार पोले की। ओ चुप करके बह, जिन्नी तेरी काट उठे रह, तो मेरे लेवल दा आर्मी ने छोड़ा। चल मेरा पोत छुट्टी करो, ये भी जो कर ना। ये है जी हमारे से शालीम, ये तो बड़े जाबाज है, तो जब जाली भी थी तब भी बैठे, अभी नहीं भी तब भी चले। आखिरी बार आपसे खुदा ना करे आप मेरी जान है ऐसी क्या सी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ इसीलिए मैं फिर जा रहा हूँ। नहीं नहीं मुझे ना छोड़ो प्लीज। हेलो, ओए इसको पकड़ के रही है तो अभी यहाँ पे ठंड है, ऊपर जाके कोल्डनेस हो जाएगी। नीचे भी मजा ऊपर भी मजा। बाय बाय, तेरे पीछे। गुड है जी, गुड है भाई, मैं जा रहा हूँ, इससे मजीद मेरा दिल नहीं देखता बनता। अरे यार मैं अकेला नहीं हूँ, ये लोग भी हैं, इनका भी दिल नहीं करता, और मतलब दिल नहीं लगता। विशाल को भी वही तकलीफ है, डड्डू को भी वही तकलीफ है, आपको भी वही तकलीफ है, तुझे भी वही है? नहीं,
तुझे फिर क्या है? कुछ भी नहीं है। अस्थमा। कैसा कैसा मूड हो गया जी? शुगर मेला लगा ही रखो, चक्कर आ रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हो। चली कैसा था? सबर सबर सबर, अभी हाथ बहुत मेरे हाथों में बर्फ है। गुड हो गया जी, गुड हो गया। ओ हेलो, क्या बात है भाई, पकोड़े एंड चिप्स एंड बर्गर। मुंह के अंदर आ गए। ओहो ताजे से ही पका। मैं पेट में चल पड़े। ए कच्चे ने ओके जी, अभी आया हूँ वापस। बहुत थका हुआ था, मैंने कपड़े चेंज किए, थोड़ा सा रेस्ट किया और अब लास्ट नाइट लास्ट डे और बॉन फायर अभी होने वाले हैं। अभी बॉन फायर के लिए जाने लगे हैं। खाना पीना होगा, तिक्के शिक्के मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड हैं। तो गाना शाना लास्ट सीन्स तो आपको दिखाएंगे, जाहिर है इख्तितामी तौर भी होनी चाहिए अच्छी। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए बगैर। बड़ी सर्दी है भाई, आज तो ओले भी पड़ गए, मैं उनको बर्फ़ समझ बैठा था। So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of town. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Big invite. ओके जी, आखिरकार दिन का इख्तिताम हो गया। अब बस हम जाने की तैयारी करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें मस्ट। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।